والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان في كل زمان ومكان إلى يوم الدين أما بعد कल हमने बाब पढ़ा था बाबू हलावत ईमान ईमान की हलावत का बयान। इसके अंदर हदीस आई थी कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलासुन मन कुन्न फीही वजद हलावत ईमान। और फिर वो तीन बातें इरशाद फरमाई, एक बात यह है अन यकून अल्लाह व रसूलुहु अहब्ब इलैहि मिम्मा सिवाहुमा, और दूसरी बात यह है अन युहिब्बल मरअ ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह, और तीसरी बात यह है अन यकरहुल कुफ्र अन यकरहु अन यऊद इलल कुफ्र कमा यकरहु अन युग़्ज़फ़ फिन्नार। यह तीन बातें जिस आदमी के अंदर होती है अल्लाह उसे ईमान की हलावत अता कर देते हैं। ईमान की हलावत से क्या मुराद है, इसके बारे में मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि इससे मुराद ताअत की लज्जत है, हलावत। नेकी के करने पर इंसान को हलावत मालूम होती है, लज्जत और दिलचस्पी मालूम होती है। अगर उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत है, रसूलुल्लाह की मोहब्बत है और गालिब दर्जे की मोहब्बत है, और इसी तरह वो अल्लाह के नेक लोगों से भी अल्लाह के नेक बंदों से भी मोहब्बत रखता है और कुफ्र से और कुफ्रिया बातों से नफरत करता है, तो उसके दिल के अंदर एक ऐसा अल्लाह तबारक व ताला ईमान का मजा अता कर देते हैं, उसका नाम है हलावत ईमान। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया है बाज़ उलमा से और कहा है कि कीला माना हलावत ईमान इस्तिंज़ाज़ु ताआती। कहते हैं कि कीला माना हलावत ईमानी इस्तिंज़ाज़ु ताआत व ईसारुहा अला जमीअ शहवात व तहम्मुलुल मशाक फी मरज़ातिल्लाहि व रसूलिही व तजर्रुउल मरारात फिल मुसीबात व रज़ा बिल क़ज़ा फी जमीअल हालात। यह है ईमान का मजा। ईमान का मजा क्या है, कहते हैं नंबर एक इस्तिंज़ाज़ु ताआत, नेकियों में लज्जत, नमाज में मजा आ रहा है, जिक्र में लज्जत आ रही है, अल्लाह का नाम लेते हैं तो यूं मालूम होता है कि जान ही मीठी हो गई। जिस आदमी के दिल में अल्लाह की मोहब्बत घुसी हुई, रची हुई, बसी हुई हो, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत घुसी हुई हो, उसका हाल यह होता है कि वह अल्लाह का नाम लेता है, सजदे में जाता है, रुकू करता है, नमाज पढ़ता है, अजीब किस्म की उसे हलावत मालूम होती है, सजदे में पढ़कर सजदे से सर उठाने को जीना चाहे, रात रात भर वह अल्लाह के सामने पड़ा रहे तो उसे लज्जत ही लज्जत महसूस होती रहे, इसका नाम है इस्तिंज़ाज़ु ताआत। हजरत मौलाना हकीम उल उम्मत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह अपनी जवानी के जमाने में हजरत मौलाना फजल रहमान गंज मुरादाबादी की खिदमत में गए, जो उस जमाने के अकाबिर औलिया अल्लाह में से थे, नक्शबंदी सिलसिले के। मुलाकात के बाद एक मौके पर हजरत मौलाना फजल रहमान गंज मुरादाबादी ने कहा कि बेटा तुमसे एक बात कहने को जी चाहता है। जी हुजूर, फरमाए। फरमाने लगे कि जब मैं नमाज पढ़ता हूं और सजदे में जाता हूं तो मुझे ऐसा महसूस होता है
कि अल्लाह ने गोद में उठा के प्यार कर लिया। अल्लाहु अकबर, क्या कैफियत थी, क्या अजीब लज्जत थी। असल में ये जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं ये आर्यतन इस्तेमाल किए हैं, अल्लाह के सिलसिले में जो वो बोलना चाहते हैं उनके लिए अल्फाज मौजूद नहीं। अब वो किन अल्फाज से ताबीर करें उस मजे को, उस लज्जत को, उस कैफियत को, उस हलावत को। तो उन्होंने मुस्तार वो अल्फाज ले लिए जो आम जुबान के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। कि एक बच्चा मां की गोद में आता है, मां उसे अपने छातियों से लगाती है, प्यार करती है, वो सारी दुनिया को भूल जाता है और उसके दिल में एक अजीब मजा और लज्जत महसूस करता है। उन्होंने यही अल्फाज यहां इस्तेमाल कर लिए थे आर्यतन, इसे कि और अल्फाज मिल नहीं रहे थे। तो कहा कि ऐसा महसूस करता हूं सजदे में जाते हुए कि अल्लाह ने मुझे गोद में उठा के प्यार कर लिया है। यह है इस्तिलज़ाज़ुत्ताआत। उन्होंने कहा दूसरी बात, ईसा रूहा अला जमी शहवात। ईमान का मजा ये कि यह भी है कि आदमी तमाम मासियतों, शहवतों, दुनिया की ख्वाहिशों, लज्जतों, इन सब पर नेकियों को तरजीह देता है। इसलिए कि जब उसे मजा आता है, नमाज का मजा, जिक्र का मजा, नेकियों का मजा, दीन का मजा, तो उसके मुकाबले में दुनिया के मजे उसे मजे ही नहीं लगते, बल्कि उसे तो खट्टे लगते हैं, कड़वे लगते हैं। वो कहते हैं ये मजा है, आदमी आंखों से दुनिया की लज्जत हासिल करे, कोई गुनाह की लज्जत हासिल करे, बुराई के अंदर पढ़कर लज्जत की बात सोचे, ये लज्जतें लज्जतें नहीं, उसे वो लज्जत नहीं मालूम होती। यह है ईमान की हलावत, कि जब किसी आदमी को ये ईमान की हलावत मिलती है तो एक तरफ तात और नेकियों का मजा उसको मिलता है और दूसरी तरफ वो ख्वाहिशात और मासियतों, इन सब चीजों को जो है फेंक देता है। ईसा रूहा, हा की जमीर तात की तरफ जा रही है, तातों को तरजीह देता है, अला जमी शहवात तमाम शहवतों पर। और तीसरी बात ये पैदा होती है, तहम्मुल मशाकी फी मरज़ात अल्लाह व रसूलिह, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मर्जियात में मशक्कतों को बर्दाश्त करता है। तंगियां पेश आ रही हैं, मसाइल पेश आ रहे हैं, मसाइब पेश आ रहे हैं, लोग गालियां दे रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, रुकावटें पैदा कर रहे हैं, लेकिन ये अल्लाह का बंदा अल्लाह की मर्जी के वास्ते, ये अल्लाह का बंदा अल्लाह के रसूल की मर्जी के वास्ते सारे मशक्कतों, तकलीफों, परेशानियों को बर्दाश्त करता चला जाता है। ये होता है ईमान का मजा। जब ईमान का मजा उसे आ जाता है तो उस वक्त में वो कोई परवाह नहीं करता मशक्कत और तकलीफ, उस मशक्कत और तकलीफ को बर्दाश्त करने में भी मजा आता है। इसलिए मजा आता है कि अल्लाह देख रहा है कि मैं उसके लिए तकलीफ उठा रहा हूं, अल्लाह देख रहा है मैं उसकी मर्जी पे मर रहा हूं, लोग गालियां दे रहे, कांटे बिछा रहे, मार तोड़ कर रहे, उल्टी सीधी हरकतें कर रहे, अल्लाह ये सब देख रहा है और मैं उसके लिए मर रहा हूं, ये भी अल्लाह देख रहे हैं, ये सोचकर उसे मजा आ जाता। समझ में आया? यह है तहम्मुल मशाक फी सबीलिल्लाह या फी मर्ज़ातिल्लाह। और उसी से लगी हुई बात आगे है, व तजर्रुल मरारती फिल मुसीबात, मुसीबतों में कड़वाहट के घूंट पीता है। तजर्रो के माने घूंट, घूंट पीता है, कह के घूंट, कड़वाहट के घूंट, मुसीबतों में, परेशानियों में। ठीक है, अल्लाह ने मुसीबत दी, अल्लाह ने परेशानी में डाला है, अल्लाह को यही मंजूर है, अल्लाह यही चाहते हैं, अल्लाह इसमें कोई हिकमत रखे हुए हैं, अल्लाह की मर्जी पर मुझे मरना है, इसलिए वो कड़वे कड़वे घूंट भी बहुत दिलचस्पी से पीने लगता है। ये होता है जब आदमी को ईमान का मजा आ जाता है,
वो कड़वे घूंड भी ऐसा पीता है जैसे कि शरबत पीता हो, वो कड़वे कड़वे घूंड भी ऐसा हजम कर जाता है जैसे कि कोई हलवे खा रहा हो। क्यों? अल्लाह की मर्जी। ये होता है तजर्रुल मरारती फिल मुसीबात। और उसके बाद वर रजा बिल कजा फी जमील हालात, अल्लाह के फैसलों पर राजी रहना तमाम हालात। अल्लाह की तरफ से नेमत की हालत पेश आए या अल्लाह की तरफ से मुसीबत वाली हालत पेश आए, वो कहता है दोनों के दोनों अल्लाह की तरफ से है, मैं राजी हूं। इसे कि जो अल्लाह को मंजूर हो मुझे मंजूर, इसका नाम है रजा बिल कजा। ये ईमान का एक बहुत ऊंचा दर्जा है। ईमान जब कामिल होता है तो उसके साथ उसे रजा बिल कजा की एक कैफियत मालूम होती है। जो मांग भी पेश आती है उस पर उसे कोई एतराज नहीं होता। तकलीफ आ जाए, परेशानी आ जाए, मुसीबत आ जाए, बीमारियां आ जाए, फक्र फाका आ जाए, लोगों की तरफ से परेशानियां पेश आ जाए, लेकिन वो कहता है जो कुछ पेश आ रहा है वो मेरे अल्लाह की तरफ से पेश आ रहा है। गर गजंदत रसद जखल्क मरंज के नराहत रसद जखल्क नरंज। कहते हैं गर गजंदत रसद जखल्क मरंज, अगर किसी मखलूक की तरफ से कुछ कोई परेशानी पेश आ रही, गजंद पहुंच रही है, नुकसान पहुंच रहा है, मरंज, रंज करने की जरूरत नहीं। क्यों? इसलिए कि नराहत रसद जखल्क नरंज, मखलूक की तरफ से न रंज पहुंचता है, न दुख पहुंचता है, न कुछ अच्छाई पहुंचती है, जो पहुंचता है वो अल्लाह की तरफ से पहुंचता है। जब सब अल्लाह दे रहा है तो फिर अल्लाह की रजा पर राजी रहो। अल्लाह तुम्हारे लिए यही चाह रहा है कि तुमको ऐसा हो, और उस वक्त में यह सोच लिया करो कि मेरा ऑपरेशन हो रहा है, मेरा ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन में मजा चाहे ना आए लेकिन फिर भी रूहानी तौर पर मजा आता है। जिस्मानी तौर पर तकलीफ, रोता भी है, पलाता भी है, कुछ डरता वो घबराता भी है तबान, लेकिन दिल अंदर से कहता है कि अभी तो ठीक हो रहा होने जा रहा हूं। डॉक्टर साहब का शुक्रिया भी अदा करता है, शुक्रिया के साथ पैकेट भी पेश करता है लाखों रुपए, डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छा किया, मेरा पेट चाक कर दिया, लीजिए लाख रुपए। डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छा किया कि मेरे दिल को चीर दिया, ये लीजिए 2 लाख रुपए। अरे क्यों दे रहा है? इसलिए दे रहा है, खुश हो रहा है। ये लज्जत आई कि नहीं आई उसे? रूहानी लज्जत। जिस्मन तकलीफ हो रही है लेकिन कलबन व रूहन वो खुश है अंदर से कि मेरा इलाज हो रहा है। जब एक बंदे के साथ, एक डॉक्टर के साथ इंसान का यह मामला, तो फिर अल्लाह के साथ बंदे का क्या मामला होना चाहिए? जो तमाम डॉक्टरों का डॉक्टर, जो तमाम हकीमों का हकीम, जो हकीम अलल इतलाक है, जिसके यहां से जो भी होता है हिकमत के मातहत होता है, अल्लाह जो भी करते हैं वह उसमें हमारी हिकमत पोशीदा होती है, हमारे लिए मसलियत पोशीदा होती है। इसलिए आदमी जब ईमान एक कामिल के दर्जे को पहुंचकर यह कैफियत पा लेता है हलावत ईमान की, तो अंदर उसका दिल खुश रहता है। बजाहिर तकलीफ है, मुसीबत है, और हो सकता है कि जिस्मानी तौर पर तकलीफ होने पर उसको कुछ रंज भी पहुंच जाए, दुख भी हो जाए, लेकिन अंदर से वो रजा बिल कजा का हामिल होता है। वो कहता मैं इस पर राजी हूं। ये है रजा बिल कजा का ऊंचा दर्जा, आला दर्जा। ये सब 5 दर्जे हो गए, 5 चीजें हो गई जो हलावत ईमान की तफसीर में मुल्ला अली कारी ने बाज उलमा के हवाले से नकल किया है। क्या? नेकियों में लज्जत का मिलना, तमाम दुनियावी ख्वाहिशात और लज्जात को उसके मुकाबले में पीछे डाल देना, और अल्लाह के रास्ते में तकलीफों को बर्दाश्त करना, और जो मुसीबतें अल्लाह की तरफ से पेश आती हैं उनको, उन कड़वे कड़वे घूंटों को खुशी खुशी पी लेना, और रजा बिल कजा, तमाम हालात के अंदर अल्लाह के फैसले पर राजी रहना, यह है हलावत ईमान। तो भाई हलावत ईमान में ये सब चीजें दाखिल हैं।
इसलिए अपने आप पर गौर कीजिए कि इन चीजों में हम कहां तक हैं, इन चीजों में कोई कोताही तो नहीं। अगर है तो इसका मतलब यह है कि कुछ अल्लाह की मोहब्बत में कमी है। अगर इसमें कमी है तो समझो कि अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में कुछ कमी है। मोहब्बत तो है, इसमें तो कोई शक नहीं, हर मोमिन के दिल में अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत है। लेकिन एक कमाल दर्जा होता है, उस कमाल के अंदर कमी होगी तो इसके अंदर भी कुछ कमी हो जाएगी। इसलिए चीजें हासिल करना हो तो अल्लाह की मोहब्बत को कामिल करो। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत यह बहुत ऊंचे दर्जे की चीज है, जिसके बारे में अल्लामा कस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं। तर्जमा नहीं करूंगा, उनकी इबारत सुनाऊंगा, तर्जमा आप खुद लोग कर लेना। वो कहते हैं वही अल मंजिला अल्लती यतनाफसु फीहा अल मुतनाफिसून व इलैहा यस्खसुल आमिलून व इला इल्मिहा शम्मरस साबिकून व अलैहा तफान अल मुहिब्बून वबी रौही नसीमिहा तरव्वहल आबिदून। आगे कहते हैं फहिया कूतुल कुलूब व गिजाउल अरवाह व कुर्रतुल उयून। ये अल्लाह की मोहब्बत दिलों की गिजा, रूहों की गिजा, आंखों की ठंडक है। वही अल हयात अल्लती मन हरमहा फहुवा मिन जुमलतिल अमवात। ये वो हयात है, रूहानी हयात, कि जो इस हयात से महरूम हो गया वो मुर्दों में शामिल है। यानी जिसे अल्लाह की रसूल की मोहब्बत ना हो वो मुर्दों में शामिल है। वन्नूरुल लज़ी मन फ़क़दहू फ़हुवा फ़ी बिहारिज़ ज़ुलुमात। और ये वो नूर है कि जो आदमी इससे महरूम हो गया वो जुल्मतों के समंदर में डूबा हुआ है। वश्शिफ़ा अल्लज़ी मन आदमहू हल्लत बिक़ल्बिही जमीउल असक़ाम। और ये वो शिफा है, रूहानी शिफा, कि जो आदमी इससे महरूम है, जिस आदमी के अंदर ये शिफा यानी अल्लाह की रसूल की मोहब्बत नहीं है, उसके लिए तो तमाम की तमाम बीमारियां जो है बिल्कुल तैयार है। हल्लत लहू हल्लत बिक़ल्बिही जमीउल असक़ाम, तमाम बीमारियां उसके दिल के ऊपर हमला करेंगी। वल्लज़तुल्लती मल्लम यज़फ़ुर बिहा फ़ऐशुहु कुल्लुहु हुमूमुन व आलम। और ये वो लज़्ज़त रूहानी है कि जो आदमी इसको न पाए तो उसका ऐश यानी उसकी जिंदगी कुल के कुल हुमूमो गुमूमो परेशानी ही परेशानी। कहते हैं वहिया रूहुल ईमान व रूहुल आमाल वो रूहुल मकामात वो रूहुल अहवाल। ये अल्लाह की मोहब्बत ईमान की रूह है। ईमान में अगर जान है तो इसी अल्लाह की मोहब्बत रसूल की मोहब्बत से है। आमाल में अगर जान है तो इसी से है। और मकामात किसी को मिल रहे हैं ऊपर बुलंद तो उसकी भी रूह यही है, अहवाल मिलते हैं तो उसकी भी रूह यही। ये इबारत है अल्लामा कस्तलानी की, जो उन्होंने साहिब मदारिज के हवाले से नकल किया। इससे अंदाजा हुआ अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत का क्या मकाम। इसके बगैर जिंदगी बेकार है। ये एक शिफा है, अगर ये ना हो तो आदमी बीमार ही बीमार है, रूहानी बीमार। एक नूर है, जिसके पास ये नूर ना हो वो बस जुल्मतों के समंदर में गोते खा रहा है। और ये रूहानी गिजा है, दिलों की गिजा है, और ये आंखों का नूर है। जिस आदमी को ये चीज मिल जाए उसका दिल रोशन, उसकी रूह रूहानियत से मामूर, और उसका ईमान तरोताजा, उसका अमल बिल्कुल तरोताजगी के साथ। ये होता है जिसके पास ये ईमान, ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत होती है। इस सिलसिले में इमाम जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में लिखा है कि एक जगह पर बड़े बड़े अकाबिर और शुयूख सूफिया जमा थे,
और उनके दरमियान बहस हो रही थी, मोहब्बत किसे कहते हैं, मोहब्बत किसे कहते हैं, मोहब्बत का हाल क्या होता है, मोहब्बत वाले आदमी कैसे होते हैं, इसके ऊपर बहस थी। और जुनैद बगदादी वहां के मजमे में बैठे हुए लोगों में सबसे छोटे थे, कम उम्र थे। तो लोगों ने कुछ कुछ बातें कही, जुनैद बगदादी खामोश बैठे थे, तो किसी ने कुछ कहा और किसी ने कुछ कहा। सब कहने के बाद जुनैद बगदादी से कहने लगे कि आप भी कुछ फरमाइए, हातिमा इंदका या इराकी, अरे इराकी साहब आप बैठे हैं खामोश बैठे हैं, आपके पास कुछ हो तो आप भी बोलिए। कहते हैं फअतरका रासहु व दमअत ऐनाह, उन्होंने सर झुका लिया, आंखें टपक टपकने लगी यानी रोने लगे, और फिर उन्होंने कहा, तर्जमा करते करते इबारत पढ़ूंगा तो मजा नहीं आएगा, इसलिए सबसे पहले इबारत सुन लीजिए। उन्होंने कहा अब्दुन जाहिबुन अन नफ्सी मुत्तसिलुन बिजिक्री रब्बी काइमुन बि अदाई हुकूकी नाजिरुन इलैही बि कल्बी احرق قلبه انوار هويته وصفى شربه من كاس بدي وانكشف له الجبار من استار غيبه فان تكلم فبالله وان نطق فمن الله وان تحرك فبامر الله وان سكن فمع الله فهو بالله ولله ومع الله। आगे लिखा है فبكى الشيوخ سب کے سب رونے, तमाम बैठा हुआ मजमा रोने लगा, और सब ने कहा मा अला हाजा मजीद, इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता, मोहब्बत की यह तारीफ जामे तरीन तारीफ। कहने लगे सब या ताजल आरिफीन, आरिफों के सरदार आपने तो ऐसी बात कही है कि इससे बढ़कर कोई नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर, यह है अल्लाह की मोहब्बत का बयान। हासिल उसका यह है, उन्होंने कहा अब तुम जाहिब नफसी ही, जिस बंदे को अल्लाह की मोहब्बत मिल जाती है वो अपने आप से बेखबर हो जाता है। अब तुम जाहिब नफसी मुत्तसिल बिजिक्र रब्बी, हमेशा अपने रब के जिक्र में लगा रहता है। कायम बि अदाई हुकूकी, उसके हुकूक के अदा करने की फिक्र में हर वक्त हर दम तैयार रहता है। नाजिर इलैही बि कल्बी, हर वक्त अपने ध्यान में अपने कलम से अल्लाह को देखता रहता है, उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत। एक मामूली आदमी मामूली चीज की मोहब्बत में पड़ जाता है तो हमा वक्त उसी का ध्यान, जबकि वो नापाक चीज है, फानी चीज है, बेकार चीज है। जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत समा जाए उसका हाल क्या होता होगा। कहते हैं नाजिरुन इलैही बिकल्ब, वह अपने दिल से हम वक्त अल्लाह को देखता रहता है। आहरा का कल्बहु अनवारु हवियति, अल्लाह की जात के अनवार ने उसके दिल को जला रखा है। वह सफा शुरबहु मिन कासी बुद्धि, वह अल्लाह की मोहब्बत का कास और प्याला पीता रहता है। वन कशफलहुल जब्बारु मिन अस्तारी गैबी, गैब के पर्दों से जब्बार उसके लिए मुनकशिफ होता रहता है। فَإِن تَكَلَّمَ فَبِاللَّهِ وَإِن نَطَقَ فَمِنَ اللَّهِ وَإِن تَحَرَّكَ فَبِأَمْرِ اللَّهِ, अगर बोलता है तो अल्लाह के लिए, कहता है तो अल्लाह के लिए, और कुछ हरकत करता है तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक। وَإِن سَكَنَ مَعَ اللَّهِ, और खामोश होता है तो अल्लाह में मशगूल हो जाता है। बोलता है अल्लाह के लिए, बोलता है अल्लाह की बातें बोलता है, और हरकत करता है भी कुछ काम धाम करता है अल्लाह के हुक्म के मुताबिक करता है। खामोश बैठता है तो अल्लाह में मगन हो जाता है। फमा अल्लाह, वो अल्लाह के साथ हो जाता है, यानी अल्लाह को याद करते बैठ जाता है, अल्लाह के ध्यान में लग जाता है। कहते हैं फहुआ बिल्लाह वलिल्लाह वमा अल्लाह, जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत होती है वो अल्लाह के हुक्म से रहता है, अल्लाह के लिए जीता है, अल्लाह के साथ में रहता है। यह है अल्लाह के महबूब बंदे और मुहिब बंदे का बयान।
सारे शुयूख रोने लगे कि क्या अजीब व गरीब हैरत तंगीज अंदाज का कलाम उन्होंने किया है, और कहने लगे इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। तमाम जितने कलाम अब तक किए गए हैं मोहब्बत की तारीफ के अंदर, उन सब के अंदर बुलंद व बाला और आखिरी दर्जे का यह कलाम है। तो भाई ये अल्लाह की मोहब्बत, एक है अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत, और एक है अल्लाह के लिए मोहब्बत, ये नेक बंदों की मोहब्बत होती है, इसकी भी बड़ी जरूरत। एक तरफ अल्लाह से मोहब्बत पैदा करो, अल्लाह की मोहब्बत कैसे पैदा होती है ज़िमनन ये भी सुन लेना चाहिए। अल्लाह की मोहब्बत पैदा होती है कई चीजों से, एक जिक्र से, एक फिक्र से। एक अल्लाह का जिक्र करो, जितना अल्लाह का जिक्र करोगे अल्लाह की मोहब्बत बढ़ती चली जाएगी। और दूसरे फिक्र से, फिक्र का मतलब अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों में गौर व फिक्र, तफक्कुर। الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کی مخلوقات میں غور و فکر۔ اللہ نے آسمان بنایا، زمین بنائی، ہمارے لیے بنائی، کیسی عجیب بنائی، کیسی سہولت والی بنائی، کیسی ضرورت والی بنائی، کیا کیا اس کے اندر ہمارے لیے اللہ نے نعمتوں کو رکھا۔ एक एक नेमत में हजार हजार नेमतें छुपी हुई। और हमारा जिस्म बनाया, हमको आंखें दी, जुबान दी, कान दिए, दिल दिया, दिमाग दिया, इनमें से एक एक नेमत भी लाखों की, और लाख खर्च भी करे तब भी ना मिले। किसी का गुर्दा फेल हो गया, गुर्दा मिलेगा तो भी अल्लाह ही का बनाया हुआ मिलेगा ना, पैसे देने पड़ेंगे। हालांकि वहां भी अल्लाह ने पैदा किया, यहां भी अल्लाह ने पैदा किया, खाली उधर का इधर करने लाखों रुपए। क्या किसी फैक्ट्री ने बनाया था गुर्दा, वह भी तो अल्लाह ही का पैदा करदा, अल्लाह ही का बनाया हुआ। एक इंसान के अंदर से निकालकर दूसरे इंसान के अंदर फिट करने के लिए लाखों रुपए। तो देखो अंदाजा करो कितनी अजीब अजीब अजीम अजीम नेमतें। जब इसको इंसान गौर व फिक्र से देखता रहेगा तो अल्लाह की मोहब्बत तरोताजा होती रहेगी, तरक्की पजीर रहेगी कि अल्लाह जिसने हमारे लिए सब कुछ किया, मुझे पैदा किया, मुझे नियमतें दी, मेरे माँ बाप को अता किया, मेरे खानदान को अता किया, और इस तरह अल्लाह ताला हर हमेशा नियमतों से हमको नवाजते रहते हैं, अल्लाह की मोहब्बत जबरदस्त तरीके पर बढ़ जाए। तीसरी चीज है अहले मोहब्बत की सोहबत। अहले मोहब्बत की सोहबत से भी इंसान के दिल में अल्लाह की मोहब्बत आ जाती। जब जिक्र होगा उनकी मजलिस में या बैठेंगे तो उनका दिल अल्लाह की तरफ लगा हुआ है तो हमारे दिल भी उधर मुतवज्जे होने लगेंगे। ये खासियत है मजलिस की, जैसी मजलिस में जाते हो उसी तरह हमारा दिल भी बनता है। एक जगह पर सारे रोते बैठे थे, आपको पता नहीं कि क्यों रो रहे, इत्तेफाक से आप पहुंच गए तो सब रो रहे धड़े मार मार। आप हंसेंगे कि रोएंगे, आपको पता भी नहीं कि क्यों रो रहे, लेकिन फिर भी आप रोना शुरू कर डालेंगे। अब देखो यहां अकल से कुछ ताल्लुक नहीं है इसका, इसे के मालूम ही नहीं ना आपको क्यों रो रहे, लेकिन फिर भी आप रोते हैं। ये असर है अल्लाह ने रखा है, सोहबत का असर। एक जगह पर सबके सब हंस रहे, इत्तेफाक से आप पहुंच गए पता नहीं कि क्यों हंस रहे, तो आपको सोच के भी हंसी आ जाएगी, जैसे मुझे भी आ रही है। हालांकि कोई वाकया भी नहीं है, खाली तस्करा हो रहा है एक मजलिस, वो भी फर्जी सी मजलिस, लेकिन फिर भी कुछ दिल जो है हंसने लग रहा है। क्यों? ये है असर किसी चीज का, मजलिस का असर उससे ज्यादा। जब मजलिस के जिक्र का ये फायदा, तो आप अंदाजा कीजिए कि खुद उस मजलिस का क्या अंदाज। जैसे हंसने वालों की मजलिस का असर यह है कि आदमी हंसने लगता है, रोने वाले लोगों की मजलिस का असर यह कि वहां आदमी रोने लगता है, इसी तरह अहलुल्लाह की सोहबत में जाते हैं उसका असर यह होता है कि आदमी के दिल में भी अल्लाह पैदा हो जाता है, यानी अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो जाती है। इसी अहलुल्लाह की सोहबत, इसके लिए बहुत अजीम शान
कीमिया असर एक चीज है, तदबीर है, उसको भी इख्तियार करना चाहिए। और दूसरी बात इसीलिए यहां पर कही गई है, यही है अहलुल्लाह की सोहबत वाली बात जो आगे बयान की गई। अल्लाह की मोहब्बत के बाद यह फरमाया गया व अन युहिब्बल मरअ, और यह है कि आदमी मोहब्बत करे किसी बंदे से, ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह, और उससे मोहब्बत सिर्फ अल्लाह के लिए। नेक बंदे से मोहब्बत सिर्फ अल्लाह की खातिर करेगा तो उसका भी असर यह है कि ईमान की हलावत मिलती। और उसके बाद इसको जिक्र करने का यही फायदा है कि यह पहली मोहब्बत तक पहुंचाने का जरिया है। मोहब्बत फिल्लाह तक पहुंचने के लिए मोहब्बत लिल्लाह जरिया बनता है। इसीलिए अहादीस के अंदर भी दुआओं में दोनों चीजों को जोड़ा गया है। हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम दुआ फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सलुका हुब्बका व हुब्ब मन यनफउनी हुब्बुहु इंदक, ऐ अल्लाह मुझे अपनी मोहब्बत दीजिए और उन लोगों की भी मोहब्बत दीजिए जिनकी मोहब्बत आपके नजदीक फायदा मंद है। अब देखिए यहां नेक बंदों की सोहबत भी मांगी, नेक बंदों की मोहब्बत भी मांगी, तो मालूम हुआ कि नेक बंदों की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत तक पहुंचने का जरिया हो। इसलिए इसका जिक्र यहां किया गया और इस हदीस में भी किया गया। लेकिन इसके अंदर एक बात समझने की है वो ये कि इसमें कहा गया वअन युहिब्बल मरअ। दूसरी बात यह है कि आदमी आदमी से मोहब्बत करे अल्लाह के लिए। यहां अल मर से क्या मुराद है? किसी भी आदमी से नहीं, किसी भी आदमी से नहीं, उस आदमी से जो आपको अल्लाह तक पहुंचने का जरिया बनता है, जो अल्लाह की मोहब्बत का जरिया बनता है, ऐसे ऐसे मोहब्बत करना मुराद है। तो लिहाजा अल मर से मुराद अल मर अस्सालेह, नेक मर्द, जो अल्लाह से मोहब्बत करने वाला, नेकियों में लगा हुआ, मुत्तकियों पर परहेजगार, ऐसे आदमी से मोहब्बत करे। इसलिए कि उन्हीं की मोहब्बत तो हमको पहुंचाएगी अल्लाह तक। नहीं तो एक आदमी जो है किसी शराबी से मोहब्बत कर रहा हो, बोल रहा मैं अल्लाह के लिए मोहब्बत करूंगा, किसी जानी से मोहब्बत कर रहा हो, कह रहा कि मैं अल्लाह के लिए मोहब्बत करूंगा, अरे ये क्या बात हुई? मोहब्बत करो ऐसे से जिनकी मोहब्बत आपको अल्लाह तक पहुंचाने वाली। लिहाजा अलमर से मुराद अलमर साले। एक बात तो यह समझना है, दूसरी बात आगे अल्लाह के नबी ने कही ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह, उस नेक आदमी से भी अल्लाह ही के लिए मोहब्बत करे। जी किसी नेक आदमी से भी मोहब्बत किसी और वजह से भी हो सकती है। वो नेक आदमी आपका बाप है, बाप होने की वजह से आपने मोहब्बत कर ली। वो नेक आदमी से आपने मोहब्बत कर ली कि भाई इनके ये नेक आदमी तो है, मैं मोहब्बत करता हूं लेकिन इनके जरिए मुझे कमाई का जरिया मिलेगा या और कोई दुनियावी नफा, कहते हैं कि नहीं, उस नेक आदमी से मोहब्बत सिर्फ अल्लाह के लिए करेगा तब यह नेमत मिलेगी हलावत ईमान। और अगर किसी नेक आदमी से मोहब्बत भी किया लेकिन वो मोहब्बत किसी दूसरे मकसद से किया तो ये फायदा नहीं होगा। दुनिया में ऐसे लोग हैं, अहलुल्लाह के पास रहते हैं, अहलुल्लाह की सोहबतें उठाते हैं, अहलुल्लाह के करीब भी हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको फायदा इसलिए नहीं पहुंचता कि मकसद उनका वो नहीं, कुछ और मकसद। हमने ऐसे लोगों को देखा है, अहलुल्लाह के पास रहे लेकिन मकसद था कुछ शोहरत मकसद था, कुछ और मकसद था, कुछ दुनिया का नफा मकसद था, उनको कोई फायदा नहीं बल्कि नुकसान हुआ। इसलिए अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करो तो इसी नियत के साथ मोहब्बत करो कि अल्लाह की मोहब्बत मिल जाए, अल्लाह के लिए मोहब्बत करो, यह मोहब्बत पहुंचाएगी आपको अल्लाह की मोहब्बत तक और इसके जरिए आप ऊंचे दर्जात तक पहुंचकर हलावत ईमान को पालें। यह है इसकी तफसीर ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह। तो दो बातें मैंने इसके अंदर अर्ज की, एक तो यह कि अलमर का जो लफ्ज यहां पर आया
یہ علل اطلاق نہیں ہے بلکہ مراد ہے نیک مرد, صالح مرد, متقی اور پرہیزگار, یعنی اللہ والے, اور ان سے بھی محبت کرنا تو دنیا کی خاطر نہیں بلکہ دین کی خاطر, اللہ کی محبت کی خاطر ان سے اگر محبت رکھتے ہیں یہ محبت کارآمد ہے اور آخرت کے اندر بھی اور پھر یہاں رہتے ہوئے بھی حلاوت ایمان دینے والی. اور آخری بات اس کے اندر فرمائی گئی کہ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ إِلَى الْكُفْرِ. تیسری بات یہ ہے کہ آدمی کفر کی طرف لوٹنے کو برا سمجھے. کما یکرہ ان یقذف فی النار, جیسے کہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے. میں نے کل بتایا تھا یعودو کے معنی اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے کے اعتبار سے تو وہی لوٹنے کے معنی, اسے کہ بہت سارے صحابہ کفر سے نکل کر آئے تھے ایمان. اب وہاں یعود کا لفظ استعمال آ کر ہو جائے گا, لیکن جو خود مسلمان ہی ہیں شروع سے ان کے لیے یہ یعودو کا جو لفظ ہے یسیرو کے معنی میں لیا جائے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم میں بھی یہ لفظ اس معنی میں استعمال کیا گیا ہے. او لتعودن فی ملتنا, یہ لفظ آیا ہے. یہاں جو عود کا لفظ ہے یہ دونوں معنی میں ہو سکتا ہے, اس لیے کہ یہ انبیاء سے خطاب تھا کافروں کا, کافروں نے انبیاء سے کہا تھا تم لوٹ آؤ ہمارے دین میں. نبی تو پہلے کفر میں نہیں تھا نا, وہ جب سے ہے مومن ہی ہے, وہ کبھی کفر میں نہیں گیا. اب ان سے خطاب, لَتَعُودُنَّ, ان سے اور ان کے ماننے والوں سے. تو نبی کے حق میں یہاں پر یسیرو کے معنی میں ہے یہ, اور دوسرے لوگوں کے اعتبار سے تو عود کے معنی میں ہے جو کفر سے نکل کر نبی کے پیروکار بن گئے. تو دیکھیے یہ معنی یہاں پر موجود. تو انبیاء اکرام علیہ السلام کے لیے جو ان لوگوں نے یہ لفظ استعمال کیا تھا یہ یسیرو کے اعتبار سے ہے, معنی کے اعتبار سے. تو لہذا یہاں بھی یہی معنی ہوگا کہ تم ہمارے دین میں آ جاؤ, ان لوگوں نے کہا تھا. اور یہاں بھی حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ کفر کی طرف جانا اسے اتنا برا معلوم ہو جیسے کہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے, یعنی کفر سے نفرت, کفریہ چیزوں سے نفرت, کفریہ مراسم سے نفرت ایسی اس کے دل کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہو. وہ آگ میں ڈالے جانے کو تو پسند کر لے لیکن کفر کی کوئی بات پسند نہ کرے, اس لیے کہ کفر کیا ہے؟ اللہ کا انکار, کائنات کے پیدا کرنے والے کا انکار, اس کی باتوں کا انکار. بہت سارے لوگ کفر یا کافر کے لفظ کو گالی سمجھتے ہیں. ارے گالی تھوڑا ہی ہے, یہ گالی نہیں ہے, ایک لفظ ہے, اس کے معنی ہے انکار کرنا. کافر کے معنی نہ ماننے والا. اب ہم کسی کو کہتے ہیں بھائی یہ کافر ہیں تو وہ ہم کو یہ سمجھتا ہم گالی دے رہے ہو اسے, ہم کو کافر بول رہے. بھائی کافر کوئی گالی نہیں, یہ عربی کا لفظ ہے اور معنی اس کے ہیں انکار کرنا. کافر کے معنی ہے نہ ماننے والا, انکار کرنے والا. تو اس کا مطلب ہوتا ہے جو دین اسلام کو نہیں مانتا, اس کا وہی ترجمہ ہے نان مسلم. نان مسلم کوئی گالی نہیں. جیسے ہم لوگوں کے کہتے ہیں نان ہندو, ہم ہندو نہیں, ہندو نہیں بولنے سے گالی تھوڑا ہی ہو جائے گی. ہم مسلمان نہیں ہے, کسی کو کہا گیا ہے تو وہ گالی کیوں سمجھے؟ ایک گالی نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت کا اظہار ہے کہ آپ فلاں آدمی دین کو نہیں مانتا, یعنی اس دین کو نہیں مانتا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے, جو سچا دین ہے, جو آسمانوں سے نازل ہوا, جو آخری دین ہے جس کے اندر سچائیاں موجود, اس کو نہ ماننے والے کو کافر کہا جاتا ہے. تو بہرحال کفر جو ہے اللہ کو نہ ماننا, اس کے رسولوں کو نہ ماننا, اس کی باتوں کو نہ ماننا, جس نے کائنات بنائی اس کو نہ مانے, کتنی بری بات. اس سے کوئی مومن
कभी ऐसी हरकत नहीं कर सकता। अल्लाह ने उसे ईमान की तौफीक दी, समझ अदा की, हकायक को वाजे किया, उसका दिल समझने लगा हकीकत क्या है। अब वो कैसे अल्लाह का इनकार कर सकता है और अल्लाह की बातों का इनकार कर सकता है। इसलिए उसे आग में डाल दो, वो कहेगा मैं कोई बात नहीं जल जाऊंगा, लेकिन मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मैं कुफ्र की कोई बात करूं या कुफ्र की तरफ चला जाऊं। हदीस में वाकया आता है हजरत अब्दुल्ला बिन हुजाफा का, कि हजरत अब्दुल्ला बिन हुजाफा को जो है जिहाद की एक मुहिम पर जाने का इत्तेफाक हुआ था सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब के जमाने में, और वो रूमियों के जो है सिपाहियों के हाथ लग गए थे, वो भी और उनके साथ कुछ और सहाबा थे। उन्होंने उनको पकड़कर उनके बादशाह के पास पेश कर दिया, तो बादशाह ने उनको बंद कर रखा और फिर ये कहा कि तुम इस्लाम छोड़ो और हमारे दीन में दाखिल हो जाओ। उन्होंने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता, तो उन्होंने उसने बड़ी धमकियां दी, लेकिन धमकियों की वजह से भी उन्होंने उसे कुछ केयर न किया और अपने दीन के ऊपर कायम दायम रहे। आखिर में उसने हुक्म दिया कि एक देग जलाओ और उसके अंदर तेल डालो। आग जलाई गई, देग रखा गया और उसके अंदर तेल डाला गया, और तेल जब अच्छी तरह खौलने लगा तो अब्दुल्ला बिन हुजाफा के एक साथी को लाकर उसके अंदर डाल दिया। क्या हाल हुआ होगा, कबाब बन गए वो खौलते हुए पानी वो तेल के अंदर। जब उनको डाला गया बस कबाब बन गए। उसके बाद दूसरे को लाके डाला गया, उनका भी वही हाल हुआ। तो हजरत अब्दुल्ला बिन हुजाफा रोने लगे। अब्दुल्ला बिन हुजाफा को रोता हुआ देखकर बादशाह ने कहा शायद तुमको अब अकल आ गई, अब रोने से क्या फायदा, हमारी बात मान लो। तो अब इन लोगों के इस तरह मरने को देखकर डर रहे हो, अब तो कम से कम अकल आ गई। उन्होंने कहा कि तुमको गलतफहमी हो रही, मैं इनके इस हाल को देखकर नहीं रो रहा हूं कि मुझे भी इस तरह डालकर मार दिया जाएगा, मैं इसलिए रो रहा हूं कि मेरे पास तो एक ही एक जान है, वो जान इसमें डालकर मार दी जाएगी तो फिर अल्लाह के नाम पर मरने के लिए मेरे पास कोई और जान नहीं, इसलिए रो रहा हूं कि एक ही जान है, अगर अल्लाह कई जाने देता वो सारी जाने इसी तरह कुर्बान कर दे। ये वाकया तारीख की किताबों में लिखा हुआ मौजूद है। इससे अंदाजा करो कि ईमान जब रासिख होता है तो उसका क्या हाल होता है। यह हाल होता है कि वो जलने मरने कटने हर चीज के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन ईमान को छोड़ने के लिए और कुफ्र को इख्तियार करने के लिए तैयार नहीं होता। यह है तीन बातें जो इस हदीस के अंदर बयान फरमाई गई। इसलिए हम सबको इन चीजों की भी फिक्र करना चाहिए। मैं इन चीजों पर तफसील के साथ इसलिए रोशनी डाल दिया कि आमतौर पर इस किस्म की अहादीस पर लोग गुफ्तगू कम करते हैं। मोहब्बत इलाही की बात, रसूल की मोहब्बत की बात, रफ़ेदन की बहस तो बहुत होती है, आमीन बिल जहर आमीन बिल सिर की बहस तो बहुत की जाती है, लेकिन इस तरह के मसाइल के ऊपर गुफ्तगू कम की जाती है। लेकिन मेरा तरीका हमेशा से यह है कि इस तरह की अहादीस के ऊपर भी कलाम करता हूँ। इसी आज भी मैंने आप हजरात को इधर तवज्जो दिलाने की कोशिश की है। हजरत मौलाना अहमद साहब प्रतापगढ़ी रहमतुल्लाह अलैह एक बार एक सफर में जा रहे थे, तो सफर के दरमियान एक मदरसे में जाना हुआ, तो लोगों ने कहा कि हजरत कुछ बयान कर दीजिए। तो हजरत मौलाना प्रतापगढ़ी रहमतुल्लाह अलैह कुर्सी पर बैठे और बैठने के बाद उन्होंने शेर पढ़ा। इसलिए कि वो मदरसा था तो उन्होंने मदरसे में बैठकर बयान करना चाहा तो एक शेर पढ़ा। कहने लगे दारुल उलूम रूह के जलने का नाम है, दारुल उलूम दिल के पिघलने का नाम, दारुल उलूम रूह के जलने का नाम है। यानी दारुल उलूम उस जगह को कहते हैं जहां पर रहने वाले अल्लाह की मोहब्बत में जल रहे हो। अहरा का कल्बहु अनवारु हवियती, अभी आपको सुनाया,
अल्लाह की मोहब्बत में उनके दिल जल रहे हो। और कहा दारुल उलूम दिल के पिघलने का नाम है, रूह का जलना, दिल का पिघलना अल्लाह की मोहब्बत के अंदर, वो है दारुल उलूम। दारुल उलूम में रहते हुए खा लिया पी लिया, कुछ पढ़ लिया, किताबें उठा ली और चल पड़े, दिल में अल्लाह की मोहब्बत नहीं, न तहज्जुद है, न जिक्र है, न फिक्र है, न अल्लाह का नाम है। नहीं भाई, वहां तो आपकी जिंदगी के अंदर फर्क आना है। मदरसे की जिंदगी अल्लाह की मोहब्बत वाली जिंदगी, अल्लाह की रूह में तड़पने, अल्लाह की मोहब्बत में तड़पने की जिंदगी, रूह के जलने की जिंदगी, दिल के पिघलने की जिंदगी, इसका नाम है दारुल उलूम। इसलिए मदरसे में रहते हुए इन चीजों पर अपने आप को तैयार करने की कोशिश करना चाहिए। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।